सम्राट क्लास से जो मैं सम्राट सर पुनः एक बार सब पहाड़ दिखाई दी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और बाबू आज का जो मेरा टॉपिक होगा इम्परेटिव सेंटेंस, अगर दे देगा तो पैसिव वॉइस बनाना होगा, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन कुछ नया टेक्निकल लेकर आया हूँ। दो चीजें बना सकते हैं, एक बहुत ईजी विधि है। देखिए यहाँ पर तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में, आज तो मेरा यही टॉपिक होगा बाबू, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक, क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक, आदेश सूचक इम्परेटिव सेंटेंस को। तो देखिए या तो लेट भी से बनेगा या तो शुड भी से बनेगा, कोई एक से बनेगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल में मान लीजिए लेट लगा दिए, उसके बाद बिक लगा दिए, उसके बाद नॉट नेवर, अरे नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे, या कभी नहीं रहेगा तो नेवर लगा देंगे, उसके बाद बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और देख लीजिए, ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद शुड नॉट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट आया, कभी नहीं तो नेवर, अब बी या थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जितने भी है ना, ओपन मैंने खोलो, द डोर में दरवाजा, डोर में दरवाजा, दरवाजा खोलो, तो दोनों विधि से बना सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि यहाँ है, सबसे पहले देखिए लेट है ना, दो विधि से बनेगा इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लेट है तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, देखिए मेन वर्ब के बाद जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दी डोर, दी डोर हो गया ना, और उसके बाद क्या लगा देखिए बी, अरे कभी नहीं है, नॉट नहीं है तो नहीं लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी, बी हो गया ना, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ओपन का क्या हो जाएगा ओपन, ओपन। एक और विधि है, मान लीजिए शुड बी से हम बना सकते हैं, शुड बी से बना सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यदि दिया है ओपन द डोर दरवाजा खोलो, तब मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा दी, सबसे आसान विधि है मार्केट में हालांकि है, ऑब्जेक्ट हो गया उसके बाद शुड लगा दो, शुड बी, अरे नहीं है ये नहीं है कभी नहीं है, नहीं तो नाट लगो पे नहीं करेगा कभी नहीं, तो शुड बी, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा पा शुड बी। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, है कि नहीं है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का ओपन है, तो ओपन क्या हो जाएगा ओपन, देख रहे कितना आसान विधि है। एक ये देख लीजिए, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, कभी ना तो नेवर है, नेवर है, यहाँ पर हो जाएगा इससे भी बनाइए, इससे भी बनाइए, दोनों से बनाइए, तो सबसे पहले इससे बनाते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर लेट, और लेट के बाद अब देखिए अ लाई को यहाँ ला दीजिए, अ लाई, और उसके बाद नेवर है ना, इसके तुरंत बाद देखिए ये हो गया, इसके तुरंत बाद कोई एक लगाएंगे तो भाई कभी नहीं है तो क्या लगेगा नेवर लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा नेवर, और नेवर के बाद तो भी लगाएंगे, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है टोल्ड होता है, क्या होता है टोल्ड, क्या कर देंगे टोल्ड, यही टोल्ड हमारा गोल्ड बनेगा, उस देश के लाल जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ पर देखिए एक एक विधि से और, यहाँ पर ला लीजिए इसको, हो जाएगा अ लाई, इससे बनाइए, और उसके बाद क्या लगा देंगे सूट ना, यहाँ पर बाबू हो जाएगा हमारा सूट, आप कभी नहीं है यहाँ पर नेवर लगा देंगे, हो जाएगा हमारा नेवर, उसके बाद से बी, और यहाँ टेल का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा टोल्ड, क्या हो जाएगा टोल्ड, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोल्ड। बहुत आसान विधि है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमारे माइंड में दिक्कत होना, दिक्कत अपने माइंड को फ्रेश रखिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग केयर कीजिए, केयर करने के बाद किसी दूसरे का शेयर कीजिए दूसरे को। तो देखिए एक और देख लीजिए, डू नॉट किल द डियर, डू नॉट मैंने मत मारो, किल मैंने हिरण को मत मारो, मत मारो मत मारो, डू नॉट किल द हिरण, हिरण को मत मारो, देखिए दोनों विधि से बनाइए, इससे बनाइए और इससे भी बनाइए, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा लेट, और लेट के बाद यहाँ लाइए डियर को, क्या हो जाएगा द डियर, हिरण हो गया ना, और हिरण के बाद नाट लग जाएगा, क्या लग जाएगा नाट, नाट के बाद बी, और बी के बाद देखिए बाबू ये किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है किल्ड, क्या होता है किल्ड, देख रहे हैं, चाहे इस विधि इस पर इसको बनाइए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इसमें क्या है द डियर है ना, यहाँ पर कर देंगे द डियर, और द डियर के बाद क्या है सूट है ना, यहाँ पर कर देंगे क्या कर देंगे सूट, और सूट के बाद इनमें क्या बहुत नट बना, कभी तो हरिये निके नहीं, तो हरिये निके तो नट लगा दीजिए, क्या लगी बहू नट लगी, और नट के बाद क्या लगी हो बी, और बी के बाद ये बताइए किल, किल का ठरक्रम क्या होगा किल, तो यहाँ पर हमारा हो जाए किल, देख रहे हैं इसको डाउट नहीं ना है, मतलब जिनको भी डाउट होगा भाई कमेंट में करते रहिए, और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट बार बार अनेक बार हजार लगातार बार कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।